मैंने टेलीग्राम पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। टेलीग्राम पर मैंने पूछा था, उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने बताया कि हाँ उन्हें एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, तो आज उसके बारे में बात होगी। प्रॉब्लम ये है कि पहली जो सबसे चीज़ है वो ये है कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको भूलते जा रहे हैं। जैसे आपने एंशंट हिस्ट्री कवर कर ली है, आपने पॉलिटी फिनिश कर ली है, आपने एनवायरमेंट फिनिश कर ली है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ ली है, मॉडर्न आप कंप्लीट कर रहे हो जिसमें से 20% आपका हो गया है, लेकिन पीछे का आप भूलते जा रहे हो। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं की हैं, क्योंकि पहले तो डेली बेसिस पे चीज़ें पढ़ तो रहे हैं बट रिवीजन नहीं हो पा रहा है, बस डेली चीज़ों को तैयार कर पा रहे हैं। तो एक दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि फैक्चुअल चीज़ें बहुत हैं, स्पेशली एंशंट और मिडिवल को ख़त्म करने के बाद। हाल में आपने मिडिवल ख़त्म की जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिले, देन मॉडर्न हिस्ट्री आप जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी आपको फैक्ट्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो किया क्या जाए, सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं एक एक करके तीनों प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिंसियर कैंडिडेट है उसके लिए, यानी कि जो व्यक्ति आरओ 2023 का प्रीलिम्स इसी बार क्लियर करना चाहता है उसके लिए। पूरा देखिए, आपकी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, जो भी भ्रम हैं, जो भी डाउट्स हैं। जो पढ़ते हैं वही भूलते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, ये नेचुरल चीज़ है। जो पढ़ेगा नहीं उसके पास भूलने के लिए होगा ही नहीं। आप इस बात का मतलब समझ रहे हो? अभी तक आपने अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की थी तो आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, आप भूलोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कम चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो आपके दिमाग में उतनी कैपेसिटी है और आपको रिवाइज करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से आपने एक्चुअल में पढ़ना शुरू किया है, ऑन अ डेली बेसिस आपने टारगेट्स को फिनिश करना शुरू किया है, तो आप देख रहे हो कि आप भूल रहे हो। तो ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, आपको इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके पास अब 10 चीज़ हैं तो आपको डाउट होना शुरू हो गया है। तो आपके पास पहले के मुकाबले 8 चीज़ ज़्यादा हैं, पहले आपके पास 2 चीज़ थी तो आप नहीं भूल रहे थे, अब 10 चीज़ हैं तो 8 चीज़ ज़्यादा होने की वजह से आप भूल रहे हो। तो ये निगेटिव चीज़ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव चीज़ है। इसको निगेटिव कंसिडर ना करिए, इसको पॉजिटिव कंसिडर करिए, ये अच्छी चीज़ है। आप पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये एक्सेप्ट आप नहीं करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहेगी कि आप जो पढ़ रहे हो उसको भूल रहे हो। दूसरी चीज़ ये है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। रिवीजन ऐसे नहीं होगा, रिवीजन के लिए आपको लोग इन डेप्थ जाकर के नहीं बताते हैं, कोई आपको ढंग से बताता नहीं है कि एक्चुअली कैसे इंप्रूव करें, ग्रो कैसे करें प्रिपरेशन में, तो आप उस चीज़ में लैग कर जाते हो, रिवीजन नहीं करते हो, पढ़ते बहुत ज़्यादा हो। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, मेक अ शेड्यूल। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है कि डेली 1 घंटे आपको पढ़ना है। जब मैंने वज्रबैह शुरू किया था या जब अभी मैंने आपको बैकलॉग और रिवीजन के लिए टाइम दिया था, जब आपका जो भी चीज़ें पेंडिंग थी, तो उसमें मैंने वहाँ पर जो एक पेज शेयर का किया था, मैंने उसमें बोला था टारगेट्स में कि आपको 1 घंटा डेली रिवाइज करना है और जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक टॉपिक लिया, एक चैप्टर लिया और आप उसको रिवाइज कर रहे हो, नहीं, आपने उस चीज़ को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ा है, हो सकता है किसी ने ज़्यादा बार भी पढ़ा हो। सो आपको उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। 1 घंटे के अंदर आपके 4-5 चैप्टर रिवाइज होने चाहिए, 2 घंटे के अंदर आपकी एंशियंट हिस्ट्री रिवाइज होनी चाहिए, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनडेप्थ जाकर के नहीं करना है, लेकिन सुपरफिशियली करना होता है, लेकिन कई बार करना होता है। जैसे आप संडे को सुबह 2 घंटे बैठे, 8 से 10 बैठे, या किसी छुट्टी के दिन आप दिन में बैठे 2 से 4, आपने 2 घंटे में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आपने किसी और दिन उठाया, आपने 2 घंटे में फिर से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आपने मिडिवल हिस्ट्री उठाई, 3 घंटे में रिवाइज करी, फिर आपने उसको 3 घंटे किसी और दिन और दिए। तो ऐसे स्पेस्ड रिवीजन किए जाते हैं, मतलब गैप दे दे करके, स्पेस दे दे करके रिवीजन किया जाता है और जल्दी जल्दी रिवीजन किया जाता है। जब तक आप डेली 1 घंटे रिवीजन की आदत नहीं डालोगे, आप भीड़ रहोगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो बच्चा ऊपर जाता है, जो कैंडिडेट प्रीलिम्स निकालता है, उसने बाकी लोगों के कंपैरिजन में रिवीजन किया होता है, जिनका प्रीलिम्स नहीं होता है। ये सक्सेस की सीढ़ी है, सफलता इसी से मिलती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो रिवीजन है। आपने पढ़ा, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको याद नहीं रखा और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाए, सही गोला नहीं भर पाए, सही बबलिंग नहीं कर पाए, तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं था। तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। इस रिवीजन को, ये जो वर्ड है ना, इसको हल्के में ना लीजिए। लोग बड़े आराम से सुपारी खाते खाते या बिस्कुट खाते खाते, चाय पीते पीते आपको बोल देंगे कि बस रिवीजन करना होता है, ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, बस हो जाता है। ये रिवीजन ही सब कुछ है। और इसके लिए एक शेड्यूल बनाइए कि मैं मंडे को इतने टाइम करूँगा, ट्यूसडे को मैं ऐसे करूँगा, अगर 2 दिन बीच में नहीं कर पाया तो मैं 4 दिन बाद इस टाइम पर करूँगा, ये मेरा शेड्यूल रहेगा। छुट्टी के दिन में 4 घंटे सिर्फ रिवीजन करूँगा, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा। तो इस तरह से अपना एक बनाइए प्लान। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें एकदम रिजिड होती हैं या फिक्स होती हैं, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप उसको शिफ्ट करिए, लेकिन बिना शेड्यूल के, बिना किसी सिस्टम के आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि हम भूलते जा रहे हैं, हमें चीज़ें याद नहीं हो रही हैं।
इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़िए उसका एक सिस्टम, एक रूटीन बिल्ड करिए कि मैं ये टॉपिक, मैंने जो ये इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ा है उसको मुझे रिवाइज करना है और मैं इस तरह से करूँगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ कि कैसे प्लान करना होता है। देखिए, जैसे मेडिवल हिस्ट्री आपने ख़त्म कर ली, तो आप प्लान बनाइए कि यार आज 12 सितंबर है या 13 सितंबर है, तो अब मैं 20 सितंबर के पहले पहले इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनको रिवाइज़ कर लूँगा। एक घंटे बाबर को पढ़ूंगा, एक घंटे इब्राहिम लोदी को पढ़ूंगा, लेकिन फिर बाबर और इब्राहिम लोदी से रिलेटेड कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। 20 मिनट की एक स्लॉट लगाइए, उसमें प्लान बनाइए कि यार मैं 20 मिनट दूंगा अलाउद्दीन खिलजी को और उसके सारे फैक्ट्स देख लूँगा। मैं सिकंदर लोदी के 15 मिनट में फैक्ट्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट देखूँगा। बलबन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो देखूँगा। आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्या था सल्तनत पीरियड में, सल्तनत के काल में, उनको मैं ढंग से देख लूँगा। बाबर और हुमायूं को एक साथ करिए, शेरशाह को उसके साथ में करिए, देन अकबर जहांगीर और शाहजहां को एक साथ करिए, देन औरंगजेब को करिए, बहादुर शाह जफर को करिए। तो इस तरह से आप स्लॉट बनाइए कि 20 मिनट में इसको निपटाना है मुझे, 20 मिनट में मुझे ये किला गिराना ही गिराना है, इसको मिट्टी में मिलाना ही मिलाना है। तो जब इस तरीके का आप एक शेड्यूल बनाएंगे, और उसका आपके पास होना चाहिए। मैं ये चीज़ आपको ऐसे भी तो बता सकता हूँ, मैं ये क्यों लिख के बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्यों ये तीन पॉइंटर बनाए, मैंने यहाँ पर क्यों वन बाई आपकी सारी क्वेरी को लिया, क्योंकि इससे टू द पॉइंट सारी चीजें गिर पाती हैं, मिट्टी में मिल पाती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये। इस तरह से जब तक आप चीजों को शेड्यूल नहीं करेंगे, आपके दिमाग में चीजें रहेंगी, तो आपका दिमाग इतना तेज नहीं है। आप मानिए, आपके दिमाग में एक टाइम पे 100 चीजें चलती हैं, तो आप सारी चीजों को दिमाग में रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। उनको कॉपी से पेपर पर उतारिए और लिखिए कि एक्चुअल में आपकी क्या प्रॉब्लम है, और उसको फिर आपको सब्जेक्ट को, टॉपिक को जब आप रिवाइज करना शुरू कर देंगे एक शेड्यूल बना करके जो मैंने आपको बताया है, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम एट इट। कोई भी चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे, आप उस चीज़ में उतने ही प्रो हो जाओगे, उतने ही मास्टर हो जाओगे, फिर आपको उस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि फैक्चुअल चीज़ों के लिए क्या किया जाए, बिकॉज आपको पता है कि आर ओ का एग्ज़ाम जो है वो इसीलिए टफ है बिकॉज इसमें फैक्ट्स बहुत आते हैं, फैक्चुअल चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। अब इन फैक्चुअल चीज़ों के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें, तो डेट्स बहुत होती हैं, चाहे संधि की बात हो यानी कि जो ट्रीटीज़ होती हैं, या फिर बैटल्स की बात हो, या फिर लोकेशंस की बात हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, या अगर कोई बैटल भी है तो वो कहाँ पर हुआ था, या जो फैक्ट्रीज़ हैं यूरोपियंस की वो कहाँ पे उन्होंने लगाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या जो फ्रेंच कंपनियाँ थी उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं। अब ये सब चीज़ें कैसे याद होंगी, कैसे तैयार होंगी, देखिए आपको इसके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत काम करती है ये, जिन लोगों ने किया है उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, आप करेंगे आपको भी मिलेगा। एक कॉपी बनाइए, कॉपी का मतलब जैसे ये एक लूज शीट है ना, एक A4 पेज है, इसी तरह से 10-15 पेज की, 20 पेज की एक स्टेपल कर लीजिए। उस कॉपी में जो भी इस तरीके के फैक्ट हैं, जो 2-3 बार 4 बार आपने पढ़े उसके बाद भी आपके दिमाग से स्लिप हो रहे हैं, स्किप हो रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यू नो कि ये मुझसे गलत होता है या ये आएगा तो मुझसे गलत हो सकता है, उनको आप उस कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, किसी को ये कहने में शर्माया ना करिए कि मुझे रटना है, रटना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम निकालने के लिए रटनी पड़ेंगी। बहुत सारे IAS ऑफिसर्स ने रटी हैं, बहुत सारे PCS ऑफिसर्स ने रटी हैं, रटना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, जो चीज़ रटने वाली है वो रटी ही जाएगी, जो समझने वाली है उसको समझिए। तो आपको सिंपली एक कॉपी बनानी है, उसमें वो फैक्ट्स को लिखना है और उनको रटना है, और ये काम आपको डेली करना है, प्रेफरेबली सुबह के टाइम पे आपको ये काम करना है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, तो आप बेटर वे में चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, क्योंकि आपका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है, पीक परफॉर्मेंस आपकी निकल के आएगी। और ये चीज़ अगर आप 2 हफ्ते भी कर लोगे, 2 हफ्ते यानी कि 2 वीक्स अगर आपने ये चीज़ रिपीट कर ली, उसके बाद में उस सब्जेक्ट में, उस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन चुके होगे, आप प्रो बन चुके होगे, मतलब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बैटल्स हैं तो बैटल्स रोज़ 15 मिनट पढ़ो, ट्रीटी हैं, संधियां हैं कि किसके बीच कौन सी संधि हुई थी, रोज 10 मिनट सिर्फ संधियां पढ़ो, सिर्फ 10 मिनट इस तरह से, 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्स को देखो, और ये काम डेली करो। मैंने कहा ना, जब डेली 1 घंटे रिवीजन करो तो उसमें फैक्ट्स का रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। 10 मिनट आप बैटल देख लीजिए, 10 मिनट संधियां देख लीजिए, 10 मिनट लोकेशंस देख लीजिए, 10 मिनट आपको कोई कॉन्टिनेंट में कोई माउंटेंस देखनी है वो देख लीजिए, कोई रिवर देखनी है वो देख लीजिए, आपको जो गंगा रिवर सिस्टम है उसका देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र का देख लीजिए, यमुना में कौन राइट पे है, कौन लेफ्ट पे है, कौन कहाँ मिलती है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इनकी सबकी एक डायरी होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, और उस कॉपी को आपको डेली रिवाइज करना है 1.5 से 1 घंटे, और वो आपकी मोटी कॉपी बनेगी, 150-200 पेज की हो जाएगी एग्जाम तक, लेकिन वो 150-200 जो पेज होंगे
उसमें जो फैक्ट्स होंगे वो आपका एग्जाम निकलवा देंगे, प्रीलिम्स निकलवा देंगे। और ये हर स्मार्ट व्यक्ति करता है, इट्स जस्ट कि वो आपको या तो शेयर नहीं करता है या आप वो चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। अगर किसी ने शेयर किया भी है तो आप उसको हल्के में ले जाते हो, क्योंकि देखो इसमें मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं लगेगी, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन जो व्यक्ति इसको करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। ये तीन चीज़ें थी, आई होप कि आपको इस वीडियो से अब डाउट्स नहीं रहेंगे एंड ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करोगे। अगर इंप्लीमेंट करोगे और ये मेहनत करोगे 100% रिजल्ट मिलता है इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहें चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, अनंत चतुर्वेदी UPPSC के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक आए हो, आपने इतनी मेहनत करी, इस वीडियो को आप यहाँ तक झेल पाए, देख पाए, तो इसका मतलब कि आप एक्चुअल में सिंसियर हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।